मेरी बिगड़ी बनाने आ जा। जैन मेरे बच्चों, आज हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कह रहा है कि विभिन्नताएं जीव प्राणियों में विभिन्नता विविधता। अब ध्यान देंगे कि हमारे जो दुनिया में जितना पूरा विश्व में देखते हैं विभिन्न प्रकार के जीव है ना, विभिन्न प्रकार के जीव हैं, विभिन्न लोग आए है ना, साइंटिस्ट लोग आए, अब विभिन्न प्रकार के जीवों का वर्गीकरण करने के प्रयास किए। अब लोग इसमें बोला कि वर्गीकरण से क्या फायदा है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमारा एक भारत एक देश है, अब भारत और देश को केवल अगर कह दिया जाता मोदी जी को कि भाई आप यह राज्य को देश को चलाइए, तो चला पाते? कैसे चलाते? कौन का बोलते कि मतलब कौन देश को, मतलब कि हम किसको कंट्रोल करें, किस तरीका से नियंत्रण करें? एगो इधर कंट्रोल हो रहा तो उधर अनकंट्रोल हो जा रहा है ना। जिस मिजोरम का मणिपुर में देख लीजिए है ना, तो ये मतलब कि अनकंट्रोल, जब जब मान ली कि विभाजन है, इसे विभाजित कर दिया गया, तब पर भी देखिए क्या होता है कि देश को विभाजन विभाजन किया गया, आपको राज में, राज को विभाजन किया गया जिला में, जिला को विभाजन किया गया आपको अनुमंडल में, प्रखंड में है ना। अब प्रखंड को विभाजन किया गया, कुछ शहर में हो गया, और शहर जब जो बना हुआ है तो शहर के अंदर का था जो बना गया उसको शहर में वार्ड बना दिया गया है ना। अब जो गांव है तो गांव में पंचायत बना दिया गया, पंचायत में मुखिया है। अब पंचायत जो छोटे छोटे गांव जब हैं, गांव के लिए क्या बना दिया, वार्ड बना दिया गया। तब का होता है कि गांव के जब वार्ड बना दिए तो गांव एक, उसके बाद एक गांव बना है, गांव के अंदर जाएंगे तो एक घर बन गया, और घर के अंदर जब जाएंगे मतलब कि परिवार के अंदर जब जाएंगे तो एक उसके पर्टिकुलर घर बन जाएगा, एक घर के बनाए तो पर्टिकुलर नाम हो जाएगा। तब हम बताएंगे कि फलाना फलाना सी के फलाना लड़का चिलना, उसके बताते हुए हम लोग जाएंगे, इस तरह से बोलेंगे। हमारे पापा मेरे, अब मेरा नाम उपेंद्र उपेंद्र सम्राट, उसके बाद मेरे पापा जी के नाम, तो उसके पहले दादाजी के नाम, इस तो करते 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 जब पूरा जाएंगे तब तो मतलब कहीं वो दूसरा चीज कहीं से मंगाना है तब तो मेरा एड्रेस पे आता है ना। इसका मतलब कि कोई चीज को अगर मान लीजिए रखना है तो एक डिफिनिट उसको प्रॉपर्टी हम लोग को जानना पड़ेगा। अगर उसको डिफिनिट प्रॉपर्टी नहीं मिल पाएगा तो हम कैसे उसके बारे में बता पाएंगे। इसीलिए साइंटिस्ट लोग का किए इसको वर्गीकरण करने के आरम्भ कर दिए। तब वर्गीकरण क्या हो जाएगा बताइए, कह रहा है कि इसको बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या कहते हैं कि ए ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय स्टडी ए पार्टिकुलर टाइप। कह रहा है कि जब हम लोग जीव प्राणी को जब हम ग्रुप में स्टडी करते हैं, पार्टिकुलर ग्रुप को, दिस सेल फॉर, कह रहा है कि यह जो कोशिकाएं हैं, फॉर द सिस्टमैटिक सिस्टमैटिक ढंग से सजाया गया, एकदम सिस्टम तरीका से है ना। जिसे मान लें हमारे स्टेट जो है एक सिस्टम तरीके से बनाया गया, स्टेट का विभाजन हुआ राज्य का, उसके बाद जिला का, उसी तरह एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि एकदम सिस्टमेटिक तरीका से उसको अरेंजमेंट किया गया ऑर्गेनिज्म का, ऑन द बेसिस ऑफ देयर द सिमिलरिटी, कह रहा है सिमिलरिटी समानता के आधार पर या विभिन्नता के आधार पर। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, टेक्सोनॉमी कहते हैं। टेक्सोनॉमी जब बात लीजिएगा तो एक मतलब कि रिसर्च, एक मतलब कि अरेंजमेंट तरीका से बनाया गया है ना। अब कह रहे कि टेक्सोनॉमी में कहा था कि जो भी कोई लिविंग थिंग्स को कर देगा सिस्टमेटिक तरीका से, उसका सिमिलरिटी और कहता है मतलब कि डिसिमिलरिटी के आधार पर जब देखा गया, उसको रखा गया, तो उस तरह के सजा दिया गया। अब कह रहा है कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ए लिविंग बींग्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। जब हम लोग सिस्टमेटिक तरीका से उसको एक सिस्टम के बाई जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब अरेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं हम लोग उसको, क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब वही क्लासिफिकेशन कह रहा है कि जब मान लें कि जैसे क्लासिफिकेशन हो गया कि जब एक सिस्टम के तरीके से जब अरेंजमेंट करते हैं, जैसे मान लें कि एक स्कूल है, तो एक स्कूल में जाइएगा एक विद्यालय में तो उसमें बहुत सारा क्लास रहता है, तो क्लास को बच्चा उसमें रहता है, जैसे 5 क्लास के बच्चा है, 8 क्लास के बच्चा है, 10 क्लास के बच्चा है, तो उसको क्या किया जाता है उम्र के अनुसार, और दूसरे बात नॉलेज के अनुसार। पहले देखा जाता है नॉलेज, कि उसका नॉलेज किस आधार पर है, क्या हाँ तक वो अटेंड कर पाएगा,
कैपेसिटी उसका कितना, उसके बाद क्लास उम्र के बाद देखते हैं कि पेरेंट्स बोलते हैं कि सर देखे ना इसका 15 वर्ष की उम्र हो गया, इसको 9वां में डाल दीजिए, 8वां में डाल दीजिए, इस तरह के बोलते हैं। इसका मतलब कि एक उम्र के अनुसार भी लेके चलते हैं कहीं कहीं, और कहीं मतलब चलता है इसे मतलब कि आपका मतलब कि नॉलेज के अनुसार। तो उसी तरह से क्या कर दिया गया कि यह कह रहा है कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग बींग्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, उसको वर्गीकरण कहते हैं जब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं। तो अब कह रहा है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ कह रहा है जीव का जो विभिन्नता है जो जीवन को बनाता है जो बनता है उसको कहते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी, उसको बायोडाइवर्सिटी हम लोग कहते हैं। कह रहा है कि इसके बाद हम लोग समझ गए कि जितना जीव को क्या कर दिया गया एक मतलब कि टैक्सोनॉमी के आधार पर, क्लासिफिकेशन के आधार पर, पहले क्लासिफिकेशन किया गया उसके बाद टैक्सोनॉमी किया गया। टैक्सोनॉमी मीन्स कहते हैं जिसे बायोडाइवर्सिटी मतलब उसका क्या अनुकूलन है, कैसे रह सकता है। क्लासिफिकेशन मीन्स क्या कर देते हैं कि उसको हम लोग एक सिस्टमेटिक तरीका से रख दिए, और सिस्टमेटिक तरीका से रखने से नहीं होगा, उसको क्या करेंगे उसको देखेंगे करेक्टर क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, कहाँ इसको मतलब कि वह रह सकता है, उसका उसका मतलब कि अनुकूलन कहाँ बनेगा, है ना, उसको उस तरह के अनुसार फेवरेबल कंडीशन देखना पड़ता है, उसके आधार पर हम बांट देते हैं। तो उसका कह रहे हैं टैक्सोनॉमी हम लोग कहते हैं। अब कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म को बहुत बार लोग आए, बहुत साइंटिस्ट लोग आए, अलग अलग प्रकार के बांटे, है ना, कहीं कोई मतलब कि दो आए तो दो किंगडम दिए, कुछ लोग आए तीन किंगडम दिए, तीन सात वो किंगडम दिए, छः वो किंगडम दिए। परंतु हम लोग जर्नल और बुक में जो पढ़ने के मिलता है, हम लोग को जो एनसीईआरटी के बुक पढ़ता है, तो वह कहा था रॉबर्ट एच वाइटकर के 1969 ईस्वी में डिस्कवर किए थे 5 वो किंगडम के बारे में बताए थे, उसके आधार पर लोग पढ़े। और उसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पर इसको पढ़ने के पहले देख लेंगे कि हमारे कैसे डिवीजन किया गया, पहले मतलब किस तरह के डिवीजन किया गया है। देखिए पहले ऑर्गेनिज्म रहा, जो भी मतलब जितना लिविंग थिंग्स है चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, वह ऑर्गेनिज्म को लिविंग थिंग्स को उसके बाद क्या करें सुपर किंगडम देखा गया, सुपर किंगडम कि जो उसको विभाजन किया जा सकता है उसको सुपर किंगडम कहा गया। सभी जीव है जो विभाजन नहीं किया जा सकता, जिसे मान लीजिए कि अभी 8.5 मिलियन लगभग जीव है, परंतु हम लोग को रिसर्च सेंटर में अभी इतने ही मिला हुआ है प्लांट एनिमल और लगभग 300 कुछ जो है लाख जो है मतलब कि आपका प्लांट है। तो जो रहेगा उसी को कहें तो उसी को रहेगा सुपर किंगडम, सुपर किंगडम की वह लिविंग थिंग्स जो हम लोग के अंदर मतलब कि उसको हम लोग पूरा जानकारी उसको पास हम लोग पास है उसको कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म पूरा या पूरा ऑर्गेनिज्म था, परंतु हम लोग के पास क्लोरो में नहीं उतना है जानकारी। उसके बाद कहा था सुपर किंगडम आ गया जो जानकारी वाला, उसके बाद किंगडम आया, किंगडम हम लोग के किंगडम का आधार पर बात कर दिए। उसके बाद क्या कर दिया गया फाइला और डिवीजन, फाइला में एनिमल आ जाता है, फाइला में आ जाता है आपका एनिमल और डिवीजन में आता है प्लांट। उसके बाद क्लासेस आ गया किस वर्ग के हैं, है ना, उसके बाद ऑर्डर किस ऑर्डर में हम लोग रखते हैं उसको, उसके बाद का फैमिली परिवार, उसके बाद जीन जे का दर जेनर और उसके बाद स्पेसीज मतलब कि सबसे छोटा स्पेसीज है, मतलब छोटे छोटे पार्ट मतलब बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा अगर हम मान लीजिए इसको हम ट्रेपीजियम जैसा बनाया कार तो सबसे छोटा पार्ट मिलेगा स्पेसीज कह सकता है एग्जाम में, तो यह स्पेसीज छोटा पार्ट आएगा और इस तरह से बढ़ते जाएगा आपका। सबसे बड़ा किसका होगा ऑर्गेनिज्म का, जो यह ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डिफाइंड भी नहीं है, हम लोग को जानकारी भी नहीं है, यह पार्ट ऑर्गेनिज्म बताया गया। यह जो है ना आपका सुपर किंगडम होगा, सुपर किंगडम को हम किसको अंदर रख सकते तो वो किंगडम यह, इस तरह के विभाजन करते करते यहाँ पर हम लोग आ गया स्पेसीज के पास के। तो हम लोग अब क्या करेंगे यहाँ पर किंगडम के आधार से हम लोग क्या करेंगे यहाँ से हम लोग स्टडी करना आरम्भ करेंगे। तो अब कह रहा है कि यह जो बताए 5 वो किंगडम के बारे में बताया, तो हम आज चलते हैं हम लोग ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो एक ऑर्गेनिज्म हम लोग लिख लिए ऑर्गेनिज्म, जैसे कि मान लीजिए क्या बोलते हैं जैसे बाघ लिए बाघ, तो बाघ जो एक आता है एक मतलब कि प्रजाति जो है एक स्पेसीज है ना, उसके बारे में बताएंगे। पहले यह सीख लेंगे ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया दो भाग में बांटा गया, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक।
करा कि प्रोक्रेटिक में जो रखा गया, जब पहला बार जीव धरती पर आया, जब बैक्टीरिया आया, इस सब फंगी, तो वह क्या कर लिया गया, उसको जो एक कोशिकीय जीव था जो वेल डेवलप नहीं था, मतलब उसके अंदर जो कहा था नहीं, उसके अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियल नहीं था, ये सब मतलब सिस्टम पूरा नहीं था, प्रोक्रेटिक सेल जो क्या कर दिया गया उसको, अब उसके बाद एक्यूरेटिक सेल, एक्यूरेटिक सेल जो हो गया मतलब कि यह केवल ए में आएगा आपका, इसमें जो आएगा यूनिसेलुलर आता है, उसके बाद आगे चल के आएगा एक्यूरेटिक में आएगा यूनिसेलुलर भी आता है और मल्टीसेलुलर भी आता है। तो एक्यूरेटिक सेल में दो पार्ट हुआ, इसको का नीचे बढ़ा तो कहा था मोनेरा आ गया, तो आपको मालूम चल गया मोनेरा का पहला एक हम लोग किंगडम बनाया गया मोनेरा, मोनेरा में हम लोग उस तरह के जीव को रखे जिसे बैक्टीरिया है ना, जो मतलब कि उस तरह के है, जो मतलब कि उसके पास वह यूनिसेलुलर है, पूरा वेल डेवलप नहीं है। उसके बाद आगे आप एक्यूरेटिक में आपका आगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दो टाइप के आया। यूनिसेलुलर में आ गया प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में अब अमीबा आ जाएगा, अमीबा पूरा वेल डिफाइंड है, अमीबा यूनिसेलुलर है, पूरा वेल डिफाइंड है, अपना सभी प्रोसेस का करता है, एक सेल से अपना कर लेता है, सीडोपोडिया के द्वारा क्या करता है, जो फूड वेहिकल बना लेता है, फूड वेहिकल के भोजन को पकड़ लेता है, उसका क्या करता है उसको डाइजेस्ट कर लेता है, इंगेशन करके फिर डाइजेशन कर लेता है, उसके बाद डाइजेशन जो नहीं अवशेष पार्ट बढ़ जाता है तो क्या करता है डिफ्यूजन के माध्यम से क्या करता है उसको डिफ्यूज कर देता है, बाहर निकाल देता है, उसके बाद अपना ग्रो करता है, उसका न्यूक्लियस टूटता है, मदर डॉटर न्यूक्लियस टूट के दो बार डिवीजन होता है, उसके बाद क्या तो उसके अंदर साइटोप्लाज्मा है, पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन को टूट जाता है, विभाजन हो जाता है, इस तरह के वह कर दो करता है, मतलब कि रिप्रोडक्शन भी करता है, मतलब कि हर एक तरीके प्रोटिस्टा जो है एग्लिना सब इसमें आ जाएगा। मल्टीसेलुलर में जो हो जाएगा आपका यह दो विभाजन है, एक होता है कि इसके पास सेल वाल हो, सेल वाल किसके पास रहेगा प्लांट के पास रहता है, तो सेल वाल होगी, इसके पास सेल वाल नहीं हो, इस तरह विभाजन किया गया, ध्यान दें कि विभाजन बता रहा अभी, एक हुआ कि सेल वाल जिसके पास हो उसको अलग रख दिया गया, और जिसके पास सेल वाल नहीं उसके अलग रख दिया गया। उसके बाद देखा गया कि सेल वाल जिसमें नहीं रहता वो एनिमल होता है, एनिमेलिया होता है, एनिमेलिया जो है वो हम लोग आ जाएंगे, बहुत सारे जीव आएंगे जिसके पास सेल वाल नहीं हो, है ना, तो यह हो गया। तो ध्यान देंगे एक आपका मोनेरा मिला, एक दूसरा प्रोटिस्टा मिला, तीसरा आपको क्या मिल गया, ये पांचवा हो गया। उसके बाद क्या मिला इसको जिसमें सेल वाल है परंतु का था उसको फोटो का था फोटोसिंथेटिक कर सकते, ऑटोट्रॉपिक हो, इसको हेटरोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक फोटोट्रॉपिक बोलते हैं इसको, अच्छा ऑटोट्रॉपिक, तब प्लांटे हो जाएगा, सब प्लांटे जितना प्लांटे है जिसके पास ऑटोट्रॉपिक भोजन बनाता है तो वह यहां पर रख दिया गया। उसके बाद हेटरोट्रॉपिक में आ गया, हेटरोट्रॉपिक में फंगी जो आ गया जो भोजन का था दूसरे सड़े गले पे से प्रोफाइटिक होता है ना, से प्रोफाइटिक होता है, फिर से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाला होता है फंगी, तो इसके अंदर आता है, कुछ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, बैक्टीरिया के साथ रहता है, भोजन बना लेता है, कुछ सड़े गले पे चीज पे रहता है, तो यह आपका हेटरोट्रॉपिक बन गया, मतलब एक हुआ फंगी तीसरा पर, पहला हुआ का मोनेरा, दूसरा हुआ आपको क्या होगा प्रोटिस्टा, तीसरा हुआ फंगी, और चौथा हुआ प्लांटे, और पांचवा हुआ अमेनिया। तब पांच विभाजन किया गया, वह कहता है रॉबर्ट एच वाइटकलर ने किए 1969 में, इसका आधार पर मतलब किया गया बढ़ाए। तो आप लोग यह जो लंबा वीडियो हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, यहां तक आपको समझ लिए कि पहला हम लोग का टैक्सोनॉमी जो बनाया गया कि उसको करेक्टर के आधार पर जंतु गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया, पहले क्लासिफिकेशन किया गया कि अरेंजमेंट कर दिया गया, उसको वर्गीकरण कर दिया गया, परंतु हर एक कैरेक्टर को देखकर विभाजन जो किया गया वह कहा था टैक्सोनॉमी कहते हैं। उस वक्त कह रहा है कि जब डाइवर्सिटी ऑफ कहा था डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म इज कॉल्ड, उसको कहते हैं क्या बायोडाइवर्सिटी हम लोग कहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म को पांच पार्ट में बांट दिया गया, उसके बाद पहले ऑर्गेनिज्म था इस रूप में विभाजन किया गया। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अभी किंगडम के बाद बताए हैं, किंगडम को अब आएगा आपको कहा फुलका जाएगा आपका फलेरा में फाइला में जाएगा और डिवीजन में जाएगा, ये आपको एनिमल में हो जाएगा और ये आपको प्लांट में हो जाएगा। उसके बाद सभी दोनों के अंदर क्लासेस हो जाएगा, उसके बाद दोनों के अंदर ऑर्डर होगा, उसके बाद दोनों के अंदर फैमिली होगा, दोनों के अंदर जर्नल होगा, और उसके बाद दोनों के अंदर स्पीसीज होगा, मतलब कि जीन जो होगा दोनों के अंदर होगा, फैमिली दोनों के अंदर होगा, ऑर्डर दोनों होगा, क्लासिफिकेशन अलग होगा, फाइना डिवीजन अलग होगा,
किंगडम होगा, इस तरह के आप सबको अलग अलग इसको मिलने वाला है। तो आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पर, नहीं हुए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों में, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जाने की अनुमति दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो पूरा का पूरा ये शॉर्ट था, और अपन जो आएंगे तो पूरा का पूरा जो है आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो जाने की अनुमति दीजिए।